क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, विश्व भर में कलीसिया के साथ में संपूर्ण विश्व की जनता क्रिसमस को मनाती है। शायद दुनिया में ऐसा कोई पर्व नहीं है जो क्रिसमस जैसा पूरे विश्व में जो मनाए जाते हैं। हम भी क्रिसमस के इस पावन अवसर पर आप सभी को गौशाले में जन्मे प्रभु यीशु के आशीर्वाद एवं अनुग्रह आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिसमस का इस त्यौहार और क्रिसमस के इस त्यौहार के बारे में जब मैं मनन चिंतन कर रहा था, दो बातें मेरे मन में आई जो मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहता हूं। वैसे आप सभी जानते हैं कि क्रिसमस बड़े सादगी का पर्व है, लेकिन विडंबना देखिए कि आज एक ये पर्व विलासिता का भी पर्व बन गया है। ग्लोबलाइजेशन के चलते ये पर्व ऐसे मनाए जाने लगे हैं जहां पर यीशु बहुत कम और पर्व बहुत ज्यादा मनाया जाता है, लेकिन हकीकत में ये बात नहीं थी। क्रिसमस सादगी एवं गरीबी का पर्व है, जो आज के माहौल में इस पर्व से गायब हो चुका है। सादगी इसलिए क्योंकि ईश्वर पुत्र, ईश्वर का पुत्र स्वयं यीशु एक गौशाले में जन्म लेते हैं। आप सभी को मैं उसके बारे में मनन चिंतन करने के लिए बाध्य करना चाहता हूं। ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के अगर पुत्र हो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उनको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए कि यीशु का जन्म कहां होता है, उनको साधारण से लोगों को जो चीजें उपलब्ध हो सकता था वो भी उपलब्ध नहीं होता है। एक घर, एक मकान, एक अस्पताल, इस प्रकार की कोई भी चीज उनके लिए उपलब्ध नहीं होता है। और कहां जाकर उनका जन्म होता है कि गौशाले में, जहां पर जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते हैं, जानवर रहते हैं। तो एक प्रकार का अगर बताया जाए सबसे निम्न स्थिति में उनका जन्म होता है। ये क्रिसमस की वास्तविकता है, लेकिन आज के शोरगुल की जिंदगी में कौन इस बात को याद करते हैं। मैं और आप कोई कसर इस पर्व को मनाने के लिए नहीं छोड़ते हैं। कहां गरीबी, कहां सादगी, ये दोनों चीज इस पर्व से कब गायब हो चुका है। कहा जाता है विदेशों में महीनों से इस त्योहार की तैयारी होती है। नवंबर की आहट सुनते ही वहां क्रिसमस के लिए पूरा मार्केट सजा जाता है, तैयारियां शुरू हो जाती है, एक फेस्टिव सीजन। मनन करके देखिए कि वो गरीबी में जन्मे यीशु इस माहौल में कहां पर होगा। मेरे ख्याल में हमारे इस त्योहार से वो गायब ही रहेंगे। सादगी और गरीबी, इसको ईश्वर ने, यीशु ने धन्य किया था, जो हमारे जीवन से फिसलती जा रही है। उन्होंने गरीबी को अपनाया था, सादगी को अपनाया था। आज के परिवेश में इन दोनों पुण्यों का कोई मतलब नहीं है। हमें जब थोड़े होते हैं बहुत दिखाने की कोशिश होती है, जब कुछ भी नहीं रहता है तो सादगी तो दूर, सब कुछ होने का हम ढोंग रचते हैं। क्रिसमस उसके वास्तविकता में देखा जाए सादगी और गरीबी का महोत्सव है। आप में से जो मेरे वचन को सुन रहे हैं शायद मेरे जैसे कभी कभी सोचा होगा कि ईसाई लोग सेवाओं में क्यों समय बहुत व्यतीत करते हैं।
अगर आप लोग चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सवाल करते हैं, तो ये चीज़ अवश्य आपके मन में आया होगा। विश्व भर में कलीसिया अपनी सेवा कार्यों के लिए माना जाता है। इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है जो मानव कल्याण के लिए कार्य करती है जिस तरह कलीसिया करती है। इसका ठोस कारण भी प्रभु यीशु का इस गरीबी को अपनाया हुआ वो मूल मंत्र है। हमारा ईश्वर एक गरीब ईश्वर है। गरीबी में जन्मे एक ईश्वर का त्योहार हम मनाते हैं। भले हमारे त्योहार में से इस सादगी और गरीबी दूर हो गया हो, पर फिर भी कलीसिया के मन से ये कभी दूर नहीं हो सकती। इसलिए गरीबों के लिए, इसलिए दलितों के लिए, इसलिए जो लोग वेदनाओं में तकलीफ में है, उनके लिए कलीसिया हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। जिन्हें सताया जाता है उनके साथ कलीसिया खड़ी रहती है। जिन्हें परेशान किए जाते हैं उनके साथ कलीसिया खड़ी रहती है। जो गरीब है उनके साथ कलीसिया खड़ी रहती है। उसका मूल कारण यही क्रिसमस, गरीबी में जन्मे यीशु है। पद्दलितों के लिए जन्मे यीशु उसका मूल कारण है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यीशु के दर्शन के लिए आए दो वर्ग के लोगों के बारे में आज थोड़े बहुत आप सबों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। संत लूकास और संत मत्ती दोनों भागों के लोगों के बारे में हमारे सामने अपने विचार रखते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 में यीशु के लिए, यीशु के दर्शन के लिए पहुंचे उन चरवाहों की खबर हमें देते हैं। क्या चरवाहे यीशु के जन्म के बारे में जानते थे? उनके कोई पूर्व आभास था कि यीशु का जन्म होने वाला है? शायद नहीं। चरवाहे कौन होते हैं? आजकल हमारी चरनियों बड़े सुंदर तरीके से उन लोगों की मूर्तियां बनी जाती है, सजी जाती है, लेकिन उनके जीवन के बारे में हम अक्सर नहीं मनन करते हैं। जो लोग नॉर्थ से हैं और विशेष रूप से हमारे इंदौर के आसपास के लोग होते हैं, वे मेवाड़ राजस्थान से आते चरवाहों को देखते हैं। यहाँ पर वो अपने झुंड के साथ सफर करते हैं, अपने भेड़ों, बकरियों, ऊंट, उनके परिवार सबके साथ वह सफर करते हैं। और प्राय प्राय वह साल भर अपने भेड़ों के साथ में, बकरियों के साथ में, ऊंट के साथ में जीवन बिताते हैं। उनका कोई स्थायी निवास नहीं। आजकल हाँ, मोबाइल का दुनिया है, उनके पास में भी उनकी सुविधा है, तो थोड़े बहुत सांसारिक जानकारी उनके पास प्राप्त होता है। लेकिन मैं आप सबों को 2000 वर्ष पूर्व की उस गडेरियों के बारे में कहता हूं जिनके पास में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। वो यीशु को क्या शायद यरूशलेम के बारे में भी नहीं सुना हो? ऐसे लोगों को यीशु अपना दर्शन देते हैं। देखिए, ये चरवाहे यीशु के बारे में कभी ना सुना था, उनके जन्म के बारे में कभी ना सोचा था। ऐसे गडेरियों के पास में कौन पहुंचता है? सुसमाचार के अनुसार स्वर्गदूत उनके पास संदेश लेकर जाता है। ऐसा नहीं था कि पूरे इसराइल में यीशु के आगमन के लिए या मसीहा के आगमन के लिए वह तैयारी नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था, शास्त्रियों को पता था, फरीसियों को पता था, पढ़े लिखे लोगों को पता था कि ऐसा एक मसीहा जरूर आने वाले हैं। वे उनके ताक में थे, लेकिन इन गडेरियों को कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए ईश्वर उनके सामने, उनके पास में स्वर्गदूतों को भेजते हैं और उन्हें यह दुनिया के सबसे बड़ा खबर, खुशी का वह संदेश सुनाता है।
तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। ठंड में ठिठुरते उन गडेरियों की स्थिति आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इस प्रकार आकाश में जब स्वर्गदूत प्रकट होकर आपको इस प्रकार के संदेश दिया जाता है, उनके दिल की हलचल को जानने की कोशिश कीजिए। ऐसे निस्सहाय लोगों के लिए यीशु का जन्म का संदेश पहुंचता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, गरीबी में जन्मे यीशु गरीबी में रहने वाले उन गडेरियों के लिए एक संदेश था। गरीबी में जन्मे यीशु गरीबी में रहते उन गडेरियों के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आता है। वो आज भी इस प्रकार के संदेश लेकर दलितों, दरिद्रों, पीड़ितों, शोषितों के लिए संदेश के रूप में पहुंचता है। खुशी का संदेश, आनंद का संदेश, वो संदेश स्वयं यीशु है। अगर 2000 वर्ष पूर्व गडेरियों के लिए वो संदेश यीशु के जन्म के बारे में है, आज भी अगर आप पीड़ित है, शोषित है, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में है, गरीबी में है, तकलीफ में है, बंधन में है, यीशु आपके लिए एक संदेश है। यीशु आपके लिए एक संदेश पहुंचाते हैं। वह संदेश यह है, तुम्हारे लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। यीशु का यही संदेश है। इस प्रकार दूसरे एक तबके के लोगों को भी यीशु के जन्म का संदेश मिलता है। कौन थे वो? वो राजा और ज्ञानी लोग थे। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 2 में 1 से लेकर 12, 15 में इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं गरीबी में जन्मे यीशु का संदेश सिर्फ दो लोगों के पास पहुंचते हैं। एक जो उनकी कोई इंतजार नहीं कर रहा था लेकिन खुद गरीब थे, और दूसरा एक दूसरे तबके के लोगों तक यह संदेश पहुंचता है जो उनके राह देख रहे थे। उन्हें खबर मिली थी। कैसे खबर मिली थी? क्योंकि वह ढूंढ रहे थे। वो ज्ञानी लोग थे, वो वैज्ञानिक लोग थे, वो शास्त्रों को जानता था, और इस माहौल में उन्होंने एक पुच्छल तारे का उदय को देखा, और वह पुच्छल तारे का उदय उन्होंने गणित लगाया कि यह पुच्छल तारे का उदय किसी अनमोल व्यक्ति का जन्म के लिए है। तो इसलिए वो खोज में उनके निकल पड़ते हैं। तो यहां पर हम दूसरे तबके के लोगों को देखते हैं जो उनकी खोज करते हैं। उन्हें पूर्व जानकारी कुछ नहीं था, पूर्व से आए थे। वचनों में कहा गया है, कहा किस पूर्व से आए थे उसकी कोई जानकारी सुसमाचार हमें नहीं देखते, लेकिन वे ज्ञानी लोग थे, वैज्ञानिक लोग थे, और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, और वह विशेष रूप से आकाश की घटनाओं को, भौगोलिक घटनाओं के बारे में जानते थे, और उस दौरान उन्हें पुच्छल तारे का उदय देखकर उसके राह पर चल पड़ते हैं, यीशु के खोज में निकल पड़ते हैं। दूसरे तबके के लोग वे लोग हैं जो यीशु के खोज में निकल पड़ते हैं। दो प्रकार के लोगों को प्रभु प्रकट होते हैं। गरीब गडेरियों को प्रभु प्रकट होते हैं, और उसी प्रकार उनके खोज करने वालों के लिए प्रभु प्रकट होते हैं। यही क्रिसमस का संदेश है। प्रभु आज भी उन सभी लोगों के लिए विद्यमान रहते हैं, प्रकट होते हैं, उनके जीवन में कार्य करते हैं, जो उनका खोजबीन करते हैं, उनका खोज करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं। जिस तरह दो लोगों को उनके आगमन का, उनके जन्म का संदेश मिला था, आज भी वे उन तमाम दो प्रकार के लोगों के पास में वो पहुंचते हैं जिन्हें वो खोजते हैं। प्रभु यीशु के जन्म का यही खबर है, यही संदेश है। जो गरीब बनकर हमारे इस दुनिया में आए, वो शोषितों के लिए एक क्रांति लेकर आए हैं, उनके लिए उनके पास एक संदेश है। यीशु स्वयं वो संदेश है। आज भी
अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप पीड़ित हैं, अगर आप शोषित हैं, अगर आप गरीब हैं, यीशु आपके लिए एक संदेश लेकर आता है। उसी प्रकार आप में से कोई भी इस ईश्वर को ढूंढोगे तो आपके सामने भी वह ईश्वर प्रकट हो जाएंगे। जिस तरह दो प्रकार के लोगों के सामने यीशु प्रकट हुए थे, उनका जन्म का संदेश उन्हें प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार अगर आप उन्हें ढूंढेंगे आपके सामने भी वह विद्यमान हो जाएंगे। खोजने वालों के सामने उपस्थित होने वाला ईश्वर मेरा प्रभु है, आपका भी प्रभु है। अगर आप सच्चे दिल से उनका खोज करें, अगर आप सच्चे दिल से उन्हें ढूंढे, अगर आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, आपके सामने भी वो विद्यमान हो जाएंगे। यही क्रिसमस का संदेश है। क्रिसमस का इस त्योहार मनाते समय बस ये दो बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम, जब हम इतने आडंबर तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं, यीशु की गरीबी को कभी ना भूलें। उनका जन्म एक छोटा सा गौशाला में, उन्हें एक घर भी नसीब नहीं हुआ। इस प्रकार के सबसे निचले स्तर क्या जा सकता है, जानवरों के बीच में होता है, ये हकीकत है। ये क्रिसमस का बड़ा संदेश है। और वो प्रभु ऐसे दो लोगों के बीच में प्रकट होते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम उन्हें जब कोई खोजता है उनके सामने वह विद्यमान होते हैं। दूसरी बात, जब आप तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, अगर आप पुकारोगे तो आपके सामने भी वह उपस्थित हो जाएंगे। वह आज भी जीवित है, आज भी हमारे बीच में है। ऐसा नहीं है कि 2000 वर्ष पूर्व उसका जन्म हुआ और उसकी कहानी उनकी मृत्यु तक खत्म हुई, ऐसा नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, आज भी पुकारने वालों के सामने प्रकट होने वाला परमेश्वर है। हजारों लाखों लोगों को जीवन को स्पर्श करते हुए आज भी वह हमारे बीच में, मेरे बीच में उपस्थित होते हैं। यही क्रिसमस का संदेश है। गॉड विद अस इम्मानुएल, प्रभु हमारे साथ है। दिल से पूछोगे, दिल से खोजोगे, दिल से पुकारोगे, गॉड विल बी विथ यू। God with us, Emmanuel। आप सभी को फिर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आमीन।